नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। बारिश से राजधानी भोपाल में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली। शाजापुर, सतना, विदिशा में भी बारिश हुई। बैरसिया में तेज बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। रायसेन में भी झमाझम बारिश हुई है। नसरुल्लागंज की बात करें तो यहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। शमशाबाद में भी ओले गिरे हैं, बारिश भी हुई है। देवास के बागली और गुना में भी ओले गिरे हैं। ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि किसानों की गेहूं और चने की फसल को नुकसान होने की आशंका। विदिशा के कुरवाई में भी दो घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी। तो मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम ने करवट ली है और मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, हवाएं भी चली हैं और कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ गई हैं। ये हम आपको छह तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेगमगंज, बैरसिया, इटारसी, कडेरा, नसरुल्लागंज, राजगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर कमोबेश एक से ही हालात हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हमें देखने को मिली, झमाझम बारिश का दौर और कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की चिंता यहां पर बढ़ती हुई। बैरसिया में आप देखिए किस तरीके से ओले गिरे हैं, नसरुल्लागंज में भी ओले गिरे हैं, राजगढ़ में भी ओलावृष्टि हमें देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि गेहूं और चना की फसल यहां पर बर्बाद होने की आशंका है, खराब होने की आशंका है इस ओलावृष्टि से। वहीं प्रदेश